हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि एफएमजी सेक्टर से बिलोंग करता है और स्टॉक हमें अब निफ्टी 50 में भी शामिल होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक से रिलेटेड दो न्यूज है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके वजह से इस स्टॉक में हमें आज के दिन थोड़ा सा रैली देखने को मिला है। हालांकि बात करें स्टॉक की प्राइस हमें 450 के ऊपर ट्रेड करा था, उस समय से लगातार हम वीडियो बना के इस स्टॉक के ऊपर आप लोग से बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा मिलने वाला है। और स्टॉक के प्राइस की बात करें तो इस प्राइस हमें काफ़ी ऊपर के ओर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया था कि मेरे जो वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा इसी टाइप के स्टॉक लेके आते रहता हूँ जो कि आप लोग को लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो दोस्तों हम आप लोग से बात कर रहे हैं और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की रिगार्डिंग, अगर मैं इसका आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि इस स्टॉक में हमें रफली 2% के अराउंड में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें पिछले वन मंथ का, तब देख सकते हो कि पिछले वन मंथ में इस स्टॉक में लगभग हमें 10% के अराउंड में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। वहीं बात करें पिछले 6 मंथ का, तब देख सकते हो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में लगभग हमें 15% से अबव हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें पिछले 1 साल की रिटर्न का, तब देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है, लगभग 70% से अबव का रिटर्न हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वहीं बात करें पिछले 5 सालों का, तब देख सकते हो कि पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने लगभग 500% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम की चार्ट पैटर्न करें तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हमें इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, लगभग 3000% के अराउंड में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक निफ्टी 50 में भी हमें इस साल शामिल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक गेल इंडिया को रिप्लेस करके निफ्टी 50 में शामिल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों तो ज़बरदस्त न्यूज़ है। वहीं बात करें एक और न्यूज़ का, तो यहाँ पर देख सकते हो कि टाटा कंज्यूमर यहाँ पे जो है कोट्रम एग्रो फूड्स को दोस्तों यहाँ पे 100% एक यहाँ पे एक्वायर करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में दो न्यूज है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मुझे लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हमें इसी तरीके का रैली देखने को मिल सकता है। और स्टॉक की बात करें तो हमें लगभग आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हमें 800+ में भी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस की बात करें हमें 450 के ऊपर ट्रेड करते हुए सितंबर में लास्ट ईयर हमें देखने को मिल रहा था, उस समय भी हम आप लोगों को वीडियो बनाने बोला था कि स्टॉक हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें 600+ में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि बात करें तो आप लोग देख सकते हो 630 रुपये के ऊपर ये स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों मुझे जिस तरीके से इस स्टॉक में न्यूज हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक हमें एनुअल ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें 800+ में भी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक में स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, देन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का, यहाँ पे देख सकते हो एनएससी की साइट पे, यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों अगर बात करें हम डिलीवरी का, यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 26% के अराउंड हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें यहाँ पे इस स्टॉक का 52 वीक लो एंड हाई का, तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक 213 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, और वहाँ से स्टॉक की बात करें तो हमें 17 फेब को 645 रुपये के हाई बनाया था, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो हमें 1 रुपया देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इसका क्वार्टर के रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिखाया है, लेकिन बात करें अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला है। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर में वहीं बात करेंगे कि इस स्टॉक में प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लगभग हमें 34% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 3% के अराउंड में हमें प्रमोटर का शेयर प्लेस देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास नहीं है। दोस्तों तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो हमें लगभग 58,000 का अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि
दोस्तों काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे फेस वैल्यू भी हमें 1 रुपये देखने को मिला है। जो कि सेक्टर के पी रेशियो की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें लगभग 66 के अप्रोच में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक के पी रेशियो में थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक का दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट, यहाँ पे अगर बात करें सेल्स का, तो यहाँ पे वो भी डेटा के बाद देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कितना सेल्स दिखाया है। तो यहाँ पे सेल्स की बात करें तो हमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें जंप देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू सेप्टेम्बर क्वार्टर। लेकिन बात करें एक्सपेंस का, तो यहाँ पे कंपनी ने आप देख सकते हो कि एक्सपेंस बढ़ चढ़ कर शो किया है दोस्तों, इनकी अधिक दिखाया है, जिसके वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था। लेकिन बात करें यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइड पर, तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में जंप ही देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे रिजर्व सरप्लस, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास रिजर्व फंड सरप्लस भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जंप दिखाया था कंपनी ने, मैं यहाँ पे स्टार देना चाहूंगा दोस्तों। वहीं बात करें डेब्ट से लेते, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के पास अदर लायबिलिटी लगभग 2700 के अप्रोक्स में देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे करेंट लायबिलिटी हमें 1900 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे कंपनी के पास फिक्स एसेट भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है एवरी ईयर। और लास्ट ईयर यहाँ पे लगभग 4400 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों फिक्स एसेट। तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक में हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और ही ज़बरदस्त तरीके से रैली देखने को मिल सकता है। वहीं बात करके यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग थी इस स्टॉक में, हमें लगभग 34% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें एफ आई की होल्डिंग की, तो यहाँ पे लगभग 26% के अराउंड में हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं यहाँ पे बात करें डी आई की होल्डिंग की, तो यहाँ पे लगभग 14% के अराउंड में होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग लगभग 26% के अराउंड में होल्डिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो शेयर होल्डर पैटर्न हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक लॉन्ग टर्म में दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रिटर्न दे सकता है, जिस तरीके से हमें इस स्टॉक में न्यूज़ देखने को मिल रहा है। और इसका अगर बात करें हिस्ट्री का, तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं ध्यान देना चाहूँगा दोस्तों, कि इस स्टॉक में जब भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें रैली देखने को मिलता है, वहाँ से थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार एक अच्छे रैली के बाद में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है दोस्तों। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। यहाँ से बात करें तो स्टॉक की प्राइस हमें 800 के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए इस स्टॉक में। वहीं बात करें इस स्टॉक का इंपॉर्टेंस सपोर्ट का, तो दोस्तों इस प्राइस से हमें लगभग 525 के आसपास के हमें इंपॉर्टेंस सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके का न्यूज है इस स्टॉक से रिलेटेड, तो हमें इतना नीचे आते हुए स्टॉक की प्राइस हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि स्टॉक की प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगे प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।